अदीप जी, एंजल वन कैसा दिख रहा है? एंजल वन एक बहुत ही अच्छा कंपनी है एंड मैंने इसको बहुत मतलब लोअर साइड से कवर किया था। अभी अभी फिलहाल जो है इसका एक बार वीकली हाई है 1350 के आसपास, वीकली ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन नीचे में एक सपोर्ट है 9,95,000 के आसपास। तो मेरे ख्याल से सर आपको अगर एक्यूमुलेट करना है या से अगर आपको 15 से 20% नीचे मिलता है तभी आप इसमें एक बार फ्रेश एंट्री लीजिए। अदरवाइज अगर आप एंट्री लेना चाहते हो एक बार 1350 के ऊपर एंट्री लीजिए। इस जोन में कुछ कुछ भी मत कीजिए। अगर आपका होल्डिंग में है तो फिर आप एक बार होल्ड कीजिए आपको, लेकिन आपको वहाँ 1,000 का एक स्टॉप लॉस भी देना होगा। और मेरे होल्डिंग ख्याल से एंजल ब्रोकिंग देखिए ऐसा कंपनी है, एंजल ब्रोकिंग ऑलमोस्ट मैं वॉच कर रहा था कौन से ब्रोकिंग फर्म प्रॉफिट में है। मोतीलाल ओसवाल एंजल ब्रोकिंग बहुत ही प्रॉफिट में है, जीरोधा प्रॉफिट में है। आप स्टॉक्स वाले बहुत लॉस में हैं, ग्रो एप्स वाले बहुत लॉस में हैं, बिकॉज इनका वैल्यूएशन अभी बढ़ाने का फंडिंग ले रहा है, वैल्यूएशन बढ़ा के दिखा रहा है, लेकिन कंपनी अभी फिलहाल बहुत लॉसेस में है। लेकिन एंजल वन सर बहुत ही अच्छा है एंड मुझे लगता है इनका जो फ्रेंचाइजी बिजनेस एंड ब्रोकिंग बिजनेस, टॉप ब्रोकिंग जो कंपनीज है वो लिस्ट में आता है, इनका बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। आप स्टॉक्स वाले एंड ग्रो एप्स के तरह इनका कुछ मॉडल नहीं है कि लॉसेस में है। आप देखेंगे आप स्टॉक सर 8 करोड़ का लॉस में है, आप ग्रो एप देखेंगे 12-13 करोड़ का लॉसेस में है इनका नीट प्रॉफिट। तो वहां पे आप एंजल वन देखेंगे कि करोड़ों का प्रॉफिट है इन लोगों का ईयरली। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन आया है ये अभी मार्केट नीचे आया है इसलिए आया है, फिर भी आपको एक बार 1,000 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए। पी रहे हैं एंजल वन पे, चिंता की कोई बात नहीं फिलहाल, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगा लें।